Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? Welcome back to another vlog. दोस्तों अभी मैं हूँ मंडी में जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. उसके दो reasons है. पहला रीजन ये है कि मेरा जो भाई है जिसको आपने मेरे साथ प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा वो आज आ रहा है यहाँ पे और कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगा यहाँ पे, तो इस चीज़ की खुशी हो रही है मेरे को, तो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ. दूसरा रीज़न ये है कि एक चीज़ है जो मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था, लेना चाहता था, और अब मैं उस चीज़ को ले चुका हूँ. अभी पिछले कल ही मैंने उस चीज़ को रिसीव किया है जो मैं लेना चाहता था. मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि मैंने क्या लिया है. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं रेगुलरली यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगा और जितना टाइम मैं वीडियोज़ पोस्ट नहीं करता था उसके लिए सॉरी, बट ऐसा अब कुछ नहीं होगा. अगर मैं ब्लॉग्स पोस्ट नहीं करूँगा बीच में तो शॉर्ट्स तो पक्का ही पोस्ट करूँगा. मतलब कहने का मतलब है कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा इस चैनल पे. तो दोस्तों वीडियो आज की पूरी देखना और मेरे को बताना कि वो चीज़ आपको कैसी लगी, फिर मैं बाद में आपको भाई से भी मिलाऊँगा. तो मैंने रूम में रखा हुआ है उसको, तो चलो पहले उस चीज़ को चेकआउट करते हैं. तो दोस्तों मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मेरे एक और भाई से. बहुत लोगों को डाउट है कि मेरा सिर्फ एक ही भाई है, पर हम एक्चुअली तीन भाई है. प्रीवियस ब्लॉग्स में जिसको आपने मेरे साथ देखा था वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम अजय है, उससे छोटा ये है, इसका नाम विजय है, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा नाम संजय है. हम तीन सगे भाई हैं. ज्यादातर लोग बोलते हैं मेरे को कि आपका दोस्त संजय कहाँ है, आपका बेस्ट संजय आपका बेस्ट फ्रेंड है क्या? मैं बोल देता हूँ उनको, हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, पर ऐसा नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, हमारा खून का रिश्ता है, ऐसा है. छोटा भाई बोल के समझ आते हैं लोग, खून का रिश्ता है, ये बोले की क्या जरूरत है. कई सोचते चाचा ताऊ का, ऐसा नहीं बिल्कुल भी. हम थोड़ा फेस में लग रहा हो क्योंकि अडॉप्टेड है ना, बट रियलिटी ये है कि हाँ, पर भाई तो भाई है कि माँ बाप के बेटे हैं बोल के. दोस्तों अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने क्या लिया है और पिछले कल हमने ये चीज रिसीव की है. वो चीज ये है, कैमरामैन जूम किया जाए. किसका जूम मतलब पास आ जाए. ये चीज है गाइस, निकॉन का Z50 कैमरा है ये, और ये बहुत ही ज्यादा हैंडी कैमरा है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए. और इसी के साथ साथ ये वाइड एंगल बहुत अच्छा दे देता है जिससे ब्लॉगिंग बहुत तगड़ी हो जाती है. बस ये पेड प्रमोशन ही है. तो ये है हमारा कैमरा गाइस, पिछले कल ही मिला है हमारे को रात को, तो रात को तो हम शूट नहीं करना चाहते थे ना, तो अभी कर रहे हैं. ये है कैमरा निकॉन का, दिख रहा है cool. तो इसको कुछ इस तरह से हम, मतलब ज्यादा अच्छे से मेरे को यूज करना नहीं आता अभी. ये इसके साथ गाइस, ये जो छोटे वाला लेंस है ये है बहुत यूजफुल ब्लॉगिंग के लिए, बहुत ज्यादा वाइड एंगल देता है. तो इसके बाद फोन की क्लिप के बाद हम इस पे भी स्विच करेंगे, फिर आप बताना कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी कंटेंट आएगा अभी. और ये है इसके साथ 250mm का बड़ा लेंस, ये है भाई फोटो शूट करने के लिए या एकदम सेक्सी सी रील राल बनाने के लिए बड़ी. इसको लगा के काफी है अभी ये. और ये इसके साथ गाइस ट्राइपॉड स्टैंड है, ये मेरे को भी मतलब पता नहीं है ढंग से कि कैसे यूज करते हैं, खुल भी नहीं रहा है इससे ज्यादा, पर ऐसे देख लो आप, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, बहुत यूजफुल चीज होती है ये भी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए. बाकी इसमें सारे कैमरा लेंसेज वगैरह हैं, ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है, ठीक है ना, एक मैंने लगा रखी है इसमें ब्लॉगिंग के लिए. गाइस एक और इसकी खास बात पता क्या है, इसको मैं इस तरह से ऐसे मोड़ के कुछ इस तरह से ब्लॉग कर सकता हूँ, और इससे क्या होगा कि मेरे को अपना फेस भी दिखेगा और सामने जो भी होगा वो सब दिखेगा. तो अब आउटडोर चलेंगे हम, और आउटडोर जाके हम अब इस फोन से इस पे स्विच करेंगे, फिर देखेंगे क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है. चल ले, चलो गाइस अब करते हैं हम स्विच. तो दोस्तों ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप वो क्लिप जो शूट हो रही है हमारे ब्लॉगिंग कैमरा से. तो बताओ जरा कैसी लग रही है, वाइड एंगल देख विजु भाई कितना मस्त है इसका. बहुत ही वाइड है, बस थोड़ा मेरे को हैवी सा फील हो रहा है हाथ में ना, मेरा हाथ थक रहा है. बाकी दोस्तों आप बताओ देख के कि क्वालिटी कैसी लग रही है. जो ये हमारा असली फेस है जो कि इतना अच्छा और सुंदर दिखता है, पर फोन की उसमें थोड़ा पर फोन की कैमरा में थोड़ा ये क्वालिटी घटा देता है हमारे फेस की. दोस्तों हाथ में दर्द हो गई, मैंने लेफ्ट हाथ से पकड़ा था ना, अब राइट से पकड़ रहा हूँ क्योंकि एक हाथ थक रहा है, क्योंकि थोड़ा हैवी है, अब आदत नहीं है, डोले शोले बन जाएंगे इसको पकड़ के. तो चलो इंडोर में देखते हैं कैसी क्वालिटी देता है. वाइड एंगल बहुत इंप्रेसिव है दोस्तों इसका. दोस्तों अब आ चुके हैं हम कमरे में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीछे का जितना भी है हमारे बैकग्राउंड में सारा कवर हो रहा है. और मतलब बाकी आप कमेंट करके पक्का बताना इसकी क्वालिटी में डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, वरना हम वापस भी कर देते हैं फिर. और एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों,
जैसे ही हमारे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, हम अपना म्यूजिक वीडियो ड्रॉप कर देंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा भाई सॉन्ग्स गाता है और बहुत अच्छे गाता है। इसने खुद से एक म्यूजिक लिखा है, उसमें मैं एक्ट करूंगा और उसकी एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, म्यूजिक वीडियो। तो 100K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कर दो, और मेरे को पता है उस वीडियो को आप बहुत लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हम उस वीडियो को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी 100K सब्सक्राइब कर दो। अब हम वेट करेंगे भाई जी के आने का। जब वो आएगा तब हम आगे दिखाएंगे आपको होता क्या क्या है। वैसे वो पहुंचने ही वाला है, अब थोड़ा सा टाइम रह गया उसको पहुंचने के लिए। तो अब भाई मेरा ये हाथ भी थक गया, बहुत हैवी है ये यार। अब मतलब छोटे वाले इस लेंथ से इतना हैवी है, बड़ा वाला लगाऊंगा तब तो पता नहीं कितना भारी हो जाएगा ये। चलिए सिवाने, तेरी बॉडी बन जाएगी क्यों? हाँ तो अभी वो पहुंचने वाला है, अब हम स्विच कर लेते हैं फोन के कैमरा में वापस से और फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों भाई जी की कॉल आई थी अभी, उसने मेरे को बोला कि वो बाहर आ चुका है, तो चलो उसको लेने चलते हैं। ये देखिए बार भाई, राइडर बॉय माय और ब्रो। मच्छर थे कितने हैं यहाँ? और नमस्ते, कैसा और है? सब क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर हो गए धूल से बुरे हाल? बुरे हाल हो गए, अभी अभी आया यहाँ पे साफ करके। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारी गाड़ी गुड़ी फंसी हुई है फ्लड के बाद से घर पे ही। तो भाई जी को बाइक में आना पड़ा, और यहाँ से आगे रोड इतना खराब है ना, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है। पहले हम इसको लगा देते हैं कहीं अच्छी जगह में, सेफ जगह में। अब देखते हैं भाई जी का क्या रिएक्शन होगा वो DSLR देखकर। कितने दिन रह रहा है फिर भाई जी? पता नहीं, डिपेंड करता है, अब देखते हैं। मिल अगर रहा है कि चलेंगे यार अच्छा आकर लगेगा तुमसे? यहाँ पे तब तो सालों साल रुक जाऊँ मैं। चल अच्छा ही लगे इधर को आ रहा। और एक बस वाला चला था मेरे से आगे, उसने इतनी धूल उड़ाई ना मेरे मुंह पे, पूरा हेलमेट भर दिया है किस को बाद में। वेलकम भाई जी अपने आशियाने पे। नहीं क्या जाने तेरे को, नहीं उड़ते हैं। बढ़िया है। चला जा बोझ उतार अपना, कैमरा फिर दिखा दो सर रहा। पानी पुणी लेंगे सर आप? ये पानी है हाँ अभी जैसे भरा है थोड़ी देर पहले। तूने लिया? वाह मुबारक हो यार। ये इसका बड़ा लेंस, छोटा लेंस, छोटा पता नहीं कहाँ रख दिया इसने। छोटा लेंस कहाँ रख दिया वो? अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है मेरे को काफी। कितने आगे वाले। लेंस है इसके साथ लगा? दो लेंसेज है, ये है वाइड एंगल के लिए ना, हाँ इससे बनते हैं ब्लॉग वगैरह। स्लिम जैसा है ना, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को तो देख के, है ना। क्वालिटी वाइज इट इज अ गुड कैमरा। इसका स्टैंड दिखाता हूँ क्वालिटी दोबारा, भी अच्छी वो है, पसंद आया ना भाई जी? बहुत अच्छा है, बहुत देख के तो अच्छा है। अच्छा लग रहा है। क्वालिटी इसके बाद चेक करेंगे अगले ब्लॉग में, बताएंगे आपको कि क्वालिटी कैसी है इसकी। हाँ तो कल से मैं भाई जी के साथ अब घूमूंगा इधर उधर, बाइक में जाएंगे हम शूट वगैरह करने, तो कल से रेगुलर। आज हम बड़े टाइम बाद तीनों आज भाई हम साथ तीनों के में। तीनों आपको फ्रेम में दिखेंगे हाँ बड़े, सदियों के बाद। कभी ऐसा ब्लॉग नहीं आपने देखा होगा कि जिस जिसमें तीनों के तीनों तीनों भाई हम साथ इकट्ठे ही में। हो। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग देखकर, और जो बीच में मैंने क्लिप डाली थी ना कैमरे से जो शूट किया था, वो भी बताना कमेंट में कैसी थी। बाकी अब से रेगुलर ब्लॉग में पोस्ट करूंगा हम तीनों साथ में। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।